नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इस बात का मोहर जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगाया गया है। आपको बताएं कि लगातार इस बात की अटकलें सामने आ रही थी कि क्या जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या बीजेपी जेडीयू को उसके मन मुताबिक सीट देगी। लेकिन इस सबके बीच उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बताएं कि अगले साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर हर पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम और वीआईपी की बात करें तो जतिन राम मांझी और मुकेश सहनी भी अपनी तरफ से यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एनडीए के गठबंधन में रहने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे से अलग होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे से चुनाव को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। आपको बताएं कि जेडीयू की तरफ से भी पूरी रणनीति और पूरी प्लानिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि पूरे 200 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले फेज की मीटिंग जनता दल यूनाइटेड के साथ हो चुकी है, अब दूसरे फेज की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आखिर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीट देती है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम जेडीयू की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और सीएम नीतीश कुमार, इन सब के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर यूपी में सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम नीतीश कुमार के बीच यूपी में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसे में जीत किसकी होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बताएं कि पार्टी की कमान संभालने के बाद से ही ललन सिंह जेडीयू को प्रदेश स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं और उनकी तरफ से कई सारी रणनीति भी बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने ये भी कहा कि जितने भी रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, जितने भी रूठे हुए नेता हैं, उन सभी को मना कर एक बार फिर से जेडीयू में वापस लाया जाएगा और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। आपको बताएं कि ललन सिंह जो पहली बार राजधानी पटना पहुंचे तो उनकी तरफ से कई सारी रणनीति और प्लानिंग के तहत जो चलाई जा रही थी उसमें कई सारे नेता वापस भी आए, उनकी घर वापसी भी हुई और ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में अगर हम आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी सिंह ने भी साफ कह दिया है कि जब तक जेडीयू अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ती है तब तक जेडीयू अपनी जगह प्रदेश में कायम नहीं कर पाएगी, अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाएगी। और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और कार्यकर्ता लगातार काम करते रहें। लेकिन इस सबके बीच अब यूपी चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है। यानी कि अब यूपी विधानसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस सीएम नीतीश कुमार देखने को मिलेगा। ऐसे में जीत किसकी होती है, कौन बाजी मार जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।